हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली मैंने देख ली है कुबूल है 2.0। सो मैं पहले बता देती हूँ कि कुबूल है जो है वो पहले एक सीरियल था, इंडियन टेलीविज़न सीरियल, जो कि जी टीवी में एयर होता था, लेकिन उसका मतलब बहुत ही टीआरपी हाई था एंड दैट वाज वन ऑफ द फेवरेट मतलब टेलीविज़न ऑफ ऑल द इंडियन, मैक्सिमम इंडियंस उसे देखते ही थे। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता था। तो उसमें जो है क्या था, बहुत अच्छी स्टोरी लाइन, इतनी ज़्यादा स्टोरी लाइन अच्छी नहीं थी। उसका जो क्या था वो स्क्रीन प्ले जो था वो बहुत अच्छा था। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है एंड क्या सच में वही मैजिक रिक्रिएट हो पाया है या नहीं हो पाया। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप फाइनल डिसीजन ले सकें कि आपको ये वेब सीरीज़ देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले जब भी मैं अपलोड करूँ नई वीडियो। ये वीडियो एंड तक देखने के बाद थोड़ा सा भी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो जल्दी से रिव्यू शुरू करते हैं कुबूल है 2.0 का। पहले डिस्कस करते हैं स्टोरी। तो स्टोरी वही है कि असद एंड जोया दोनों ही बहुत ही कॉन्ट्रास्ट पर्सनालिटी के हैं, दोनों ही बहुत डिफरेंट फैमिली से हैं, दोनों के डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ हैं, लेकिन उन दोनों को जो क्या होता है, उन दोनों के दिल मिल जाते हैं। उन दोनों की जो लव स्टोरी है वो कैसे स्टार्ट होती है। सो बेसिकली यू कैन से इट इज़ अ क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी। मतलब असद जो है वो इंडिया से है एंड सुरभि ज्योति जो इस कैरेक्टर को प्ले करी है जोया का, वो पाकिस्तान से है। तो क्या ये दोनों मिल पाते हैं, क्या उनकी प्रेम कहानी सफल हो पाती नहीं हो पाती, क्या उनके जो क्या उसके मोहब्बत को उनकी मुकाम या मंजिल मिलती है नहीं मिलती, यही है रेस्ट ऑफ द स्टोरी इस वेब सीरीज़ की। तो अब बात करते हैं हम यहाँ स्क्रीन प्ले की। तो देखिए, स्टार्टिंग में बोल दूँ स्टोरी इज़ एंगेजिंग। यस, स्टोरी इज़ एंगेजिंग एंड यहाँ पे जो असद एंड जोया की नोकझोंक दिखती है ना, वो पुराने वाले जो सीरियल में दिखती थी जी टी वी में, क्योंकि इन दोनों का जो है टॉम एंड जेरी टाइप के ही होते थे हमेशा। एंड मुझे यहाँ इस वेब सीरीज़ की यही यूएसपी लगी कि इन दोनों की जो केमिस्ट्री है बहुत ही बेहतरीन लग रही है। गाइस, ऐसा नहीं लग रहा कि आप 6-7 साल बाद देख रहे हो उन्हें, क्योंकि 2012 में ये सीरीज मतलब टेलीविज़न शो शुरू हुआ था, 13 तक ख़त्म हो गया था, 13 तक या 13-14 तक ख़त्म हो गया था। एंड ये लोग, ऐसा लगता नहीं है कि ये लोग फिर से 7 साल बाद फिर से पर्दे पे सामने आए हैं एक साथ। ऐसा लग रहा है जहाँ से छोड़े थे वहीं से आए एंड इन दोनों की केमिस्ट्री अभी भी वही है, बरकरार है। तो उनका केमिस्ट्री का जादू यहाँ चल गया है एंड इन दोनों की नोक झोंक जो वो बहुत ही एंगेजिंग करती है। एंड स्टोरी की बात बोल दो तो स्टोरी कुछ न्यू नहीं है। क्रॉस बॉर्डर लव स्टोरी बहुत सारे देख चुके हैं, टाइगर जिंदा है, वीर ज़ारा, बहुत सारे हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा न्यू नहीं है। अगर आप कुछ न्यू ढूंढ रहे हैं तो आप निराशा होंगे। अगर आप कुबूल है आपको पहले से पसंद आया था तो आपको यह पसंद आएगा। तो इन शॉर्ट बोल तो स्क्रीन प्ले इज़ क्वाइट एंगेजिंग। तो अब बात करते हैं हम यहाँ कास्ट के काम की। तो यहाँ करण सिंह ग्रोवर जो कि असद अहमद खान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ही इज़ वेरी गुड इन दिस कैरेक्टर। जैसे उन्हें कास्ट किया क्या था उसी मतलब टेलीविज़न में जैसा उन्होंने वैसा कैरेक्टर प्ले किया था, सेम वही कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया है। बहुत बेहतरीन इन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है। द मतलब फिटनेस फ्रीक एंड व्हाट यू कैन से दैट क्लीन फ्रीक, बहुत ही हाइजीन फ्रीक है वो इंसान। एंड जैसे उन्होंने इस कैरेक्टर को प्ले किया, मुझे पुराने असद की याद आ गई जो 2012 में आए थे कुबूल से, एंड वो दिखते भी बहुत अच्छे हैं इसमें। एंड जोया का कैरेक्टर जो प्ले करें उनका नाम है सुरभि ज्योति। शी इज़ आल्सो वेरी गुड इन दिस कैरेक्टर एंड बहुत अच्छा है उनका नोकझोंक, उनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी दिखती है करण सिंह ग्रोवर के साथ। आई नो पहले से वो काम कर चुके हैं लेकिन उनका केमिस्ट्री अभी भी बरकरार है। मुझे जी5 के वेब सीरीज़ यही अच्छे लगते हैं कि जो जो उन लोगों ने सीरियल से वेब सीरीज़ कन्वर्ट किया है, उन दोनों का जो पुराने वाले कास्ट को लिया है वो एक प्लस पॉइंट है। और उन लोग की जो केमिस्ट्री वो बहुत अच्छी है, अच्छी होती है, वो वही रिक्रिएट कर पाते हैं एंड बरकरार भी रख पाते हैं। पिछले बार रवि दुबे, निया शर्मा का भी बहुत अच्छा था, इस बार इन दोनों का भी बहुत ही अच्छा है, ग्रोवर का एंड ज्योति का, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा एंड इनका काम भी अब बहुत अच्छा है। एंड जोया के कैरेक्टर पे ये वेल सूटेड है। तो अब बात करते हैं सपोर्टिंग कैरेक्टर की। नेहा लक्ष्मी अय्यर एंड यहाँ पे शालिनी कपूर एंड बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कि यहाँ, मंदिरा बेदी है एंड बहुत सारे एक्टर हैं जो कि यहाँ सपोर्टिंग रोल में हैं। इन तीनों के अलावा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग रोल में हैं जो इनका काम बहुत ही बेहतरीन है एंड इनका काम बहुत अच्छा है। इन शॉर्ट बोले तो कास्टिंग का काम बहुत अच्छा है एंड कास्टिंग भी बहुत ही परफेक्ट है। अब बात करते हैं हम यहाँ डायरेक्शन की। तो अंकुश मोहला एंड ग्रीन बरे, तो इन दोनों ने डायरेक्ट किया है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे डायरेक्शन ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा, सिर्फ इन्होंने एक्ट्रेस से अच्छा काम कराया है एंड वो जो मैजिक था ना असद एंड जोया वाला वो बहुत अच्छे से रिक्रिएट किया है। इसके अलावा मुझे इनका डायरेक्शन भी ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइटिंग स्टोरी बहुत टिपिकल सी है, तो राइटर मतलब डायरेक्टर को भी ज़्यादा कुछ खास आप ब्लेम नहीं कर सकते, उनका काम जैसा था उन्होंने बखूबी किया है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ सिनेमेटोग्राफी की। तो यहाँ सिनेमेटोग्राफी सर्बिया का, लंदन का, बहुत सारे एरिया का बहुत ही बेहतरीन है। तो मुझे सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छा लगा एंड और बहुत सारे ऐसे स्टूपिड मतलब क्या हो सकते हैं सीन्स है जहाँ के आपको लगेगा भाई ये क्या था। तो मैं एक बात बोल दूँ, मतलब जो सुरभि ज्योति का कैरेक्टर दिखाया गया है एक या दो एपिसोड वो सिर्फ वो शादी के जोड़े में ही, मतलब शादी के जो कॉस्ट्यूम पहनी है ना ब्राइड वाला कॉस्ट्यूम, उसी में ही वो घूम रही, मतलब वो अगर जीन्स पहनी थी नीचे तो कम से कम नहीं तो ऊपर वाला जो दुपट्टा वो भी पहन के घूम ही रही है। तो कैसे घूम रही, कितने ईज़ में वो घूम रहे, वही हम लोग को थोड़ा अनरियलिस्टिक लग जाता है। अदरवाइज सब कुछ ओके ओके टाइप का है। तो अब रिव्यू तो ख़त्म हो जाता है, हम बात कर रहे हैं हम यहाँ रेटिंग्स की। देखिए, आई विल नॉट से इट इज़ अ मस्ट वॉच, येस, इस स्टोरी में कोई नवीनता नहीं है, सिर्फ अगर आपको कुबूल है अच्छा लगा था तो आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज़ आपको इतना ज़्यादा कुछ खास लगने वाला नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता दूं। एंड अगर आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं तो आपको निराशाजनक ही लगेगा, लेकिन अगर आप सुरभि ज्योति एंड करण सिंह ग्रोवर के काम के फ़ैन हो तो आपको ये वेब सीरीज़ आपके लिए एक मस्ट वॉच बन जाती। तो आप डिसाइड करो कि आप देखना है या नहीं देखना है। तो मैं इसे रेट करती हूँ 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 स्टार। मुझे इतना ज़्यादा कुछ खास भी नहीं लगा, इतना कुछ बोरिंग भी नहीं लगा। तो कैसे लगे आपको ये रिव्यू, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। पसंद आ गई तो लाइक शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए रिव्यू में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।